नमस्कार, मैं हूं सबा। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम साइबर दोस्त में। साइबर जगत में आपने फिशिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप विशिंग और स्मिशिंग के बारे में जानते हैं? तो चलिए समझते हैं आखिर क्या है विशिंग और स्मिशिंग और इससे कैसे बचा जा सकता है। डिजिटल दुनिया ट्रेंड में है, ज्यादातर लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस बीच साइबर अपराधी का खतरा बढ़ता जाता है। हैकर्स दूर बैठकर लोगों के लैपटॉप और कंप्यूटर में नजर रखते हैं और आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब कर देते हैं। साइबर अपराधी फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग जैसे तरीके अपनाते हैं। इन तरीकों से अपराधी आपके कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन तक पहुंच जाते हैं और बैंक अकाउंट की जानकारी चुराते हैं। नतीजा, पैसे की चोरी होती है और देखते देखते आपकी जमा राशि किसी और के पास चली जाती है। मामला ऑनलाइन होता है, इसलिए इसे पकड़ना भी मुश्किल होता है। फिशिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें साइबर चोर ईमेल का सहारा लेते हैं। ईमेल की मदद से वे आपको किसी कंपनी, बैंक, सरकारी एजेंसी का कर्मचारी या क्लाइंट बताते हैं। लोगों को झांसे में लेकर डिटेल मांगते हैं या कुछ ऐसा लिंक देते हैं जिससे मेलवेयर जुड़ा होता है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपकी सारी जानकारी अपराधी के पास चली जाती है। इससे बचने का आसान तरीका है ईमेल का एड्रेस ठीक से चेक करना। ऐसे मेल में स्पेलिंग की कुछ गलतियां होती है जिसे पकड़ने की जरूरत होती है। फिशिंग में फर्जी लोगों का सहारा लिया जाता है जिसे पहचान कर साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है। फिशिंग और स्मिशिंग इन दोनों धोखाधड़ी में फोन नंबर के सहारे लोगों की जरूरी सूचनाओं पर हमला बोला जाता है। ये साइबर अपराध का आसान तरीका है। इसमें फ्रॉड करने वाले ऐसे नंबर का इस्तेमाल करते हैं जिसका लोकल एरिया कोड हो। ऐसे फोन नंबर किसी कंपनी या सरकारी एजेंसी के फोन कोड से मिलते जुलते हैं। आपको बता दें कि स्मिशिंग में टेक्स्ट मैसेज के सहारे अपराध को अंजाम दिया जाता है। मैसेज में बताया जाता है कि बैंक, बिजनेस और सरकारी एजेंसी की तरफ से पूछताछ की जा रही है। ऐसे मैसेज को अक्सर अर्जेंट बताया जाता है। इसमें लिखा होता है, वी हैव डिटेक्टेड अनयूजुअल एक्टिविटी ऑन योर अकाउंट, यानी कि आपके अकाउंट पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई है। ऐसा मैसेज इसलिए भेजा जाता है ताकि सामने वाला आदमी डर जाए और उससे बचने का उपाय पूछे। इसी कोशिश में वो अपनी जरूरी सूचना लीक कर देते हैं। इस तरह के अपराध से बचने का सबसे सही तरीका है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य उपकरणों में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए ताकि साइबर फ्रॉड से बचा जा सके। एंटीवायरस में मेलवेयर प्रोटेक्शन भी होता है जिससे फिशिंग जैसे खतरे से बचा जा सकता है। एंटीवायरस कई अलग अलग मेलवेयर जैसे कि रैंसमवेयर और स्पाइसवेयर से बचाते हैं। ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल, स्पैम फिल्टर, इनडेप्थ स्कैनिंग, सिक्योरिटी रिपोर्ट और डार्क वेब मॉनिटरिंग की सुविधा देते हैं। तो आज आपने जाना विशिंग और स्मिशिंग के बारे में, किस तरह से साइबर फ्रॉड आपको अपने झांसे में लेते हैं। साइबर जगत से जुड़ी ऐसे ही अहम जानकारी के लिए बने रहें वॉइस ऑफ भारत के साथ।